आज हम सीखेंगे सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट बेसिकली क्या होता है, जो भी हम हिंदी में कन्वर्सेशन करते हैं अपनी, ज़्यादातर हम पास्ट में ही करते हैं। जैसे कि मैं मार्केट गई, उसने ये ख़रीदा, मैं कल वहाँ गया, मैं उससे मिला, मैंने मेट्रो पकड़ी। मोस्टली हमारे जितने भी सेंटेंसेस होते हैं ना, वो सारे सिंपल पास्ट में बनते हैं। अगर आपने सिंपल पास्ट पर अपना थोड़ा बहुत वर्क भी कर लिया, आपकी इंग्लिश कुछ हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। सिंपल पास्ट का सबसे मेन फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इसकी हिंदी होती है आ ई ए। मोस्टली इसमें साउंड आता है आ ई ए का। जैसे फर्स्ट फॉर एग्जांपल के लिए हम सेंटेंस यूज़ करेंगे, उसने काम किया, ही डिड द वर्क, उसने मुझसे बात की, शी टॉक टू मी, वह मार्केट गई, शी वेंट टू द मार्केट। तो इसी प्रकार हम सेंटेंस बना बना के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जब हम इसको नेगेटिव में बनाएंगे, तो नेगेटिव में जब हम बनाते हैं, जो हम सेकेंड फॉर्म यूज़ कर रहे थे अभी पॉजिटिव सेंटेंस में, वो टर्न हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म में, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे डिड। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अभी यहाँ पे हम सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में। तो फॉर एग्जांपल के लिए, वह मार्केट नहीं गई, शी डिड नॉट गो टू द मार्केट, उसने तुमसे बात नहीं करी, शी डिड नॉट टॉक टू यू, वह तुमसे नहीं मिला, ही डिड नॉट मीट यू। तो इसी प्रकार आप सेंटेंस बना बना के प्रैक्टिस कर सकते हो अपनी इंग्लिश की। और सिंपल पास्ट को इम्प्रूव करने का एक और तरीका है, वो है यस्टरडे। आप जो भी कल, मतलब पूरा दिन अपने सुबह से उठने से लेकर रात तक जो भी किया, आप उसको एक नोटबुक में लिखो, पूरा पूरा हिंदी में लिखो सिंपल पास्ट में। जैसे कल मैं सुबह उठा, फिर मैंने ये किया, मैं वहाँ गया, आई वोक अप यस्टरडे अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई डिड दैट, आई वेंट देयर, सारी चीज़ें आपको लिखनी है। उसके बाद आपकी ये जो सिंपल पास्ट है, काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगा सेंटेंसेस के साथ। और यस्टरडे आप इसको करो और इसको इम्प्रूव आपको खुद दिखेगा कि कितने हद तक आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो चुकी है, क्योंकि सिंपल पास्ट मेन जो होता है ना, बेस होता है इंग्लिश का। इसको अगर आपने अच्छे से इम्प्रूव कर लिया, आप इंग्लिश बहुत हद तक बोलना सीख जाओगे। सो दैट्स हाउ आई लर्नड इंग्लिश।